मैं अनु श्रीवास्तव एक बार फिर से अपने YouTube चैनल जीके आर्ट से आप सभी का स्वागत करता हूँ। मौसम की नज़ाकत कुछ ऐसा है कि इस नज़ाकत भरे मौसम में हमें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, प्रॉपर तरीके से लाइट नहीं आ पाना, जिसके चलते हम आपके लिए कंटिन्यू वीडियो नहीं ला पाए। और मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये समय ख़राब लग रहा होगा, तो वैसे बच्चों से मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अब किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है, लाइट इस समय प्रॉपर हैं। और मैं चाहता हूँ कि अब जब कुछ दिनों के ब्रेक के बाद जब हम वापस आए हैं तो आज कुछ ऐसा करें जिससे हमें बेहतर फीलिंग्स आएँ, और कंपटीशन में एक ऐसे चैप्टर को आज हम पढ़ें जिससे अधिक से अधिक हम स्कोरिंग कर सकें। इसीलिए मैं आप सबके लिए एक बहुत ही शानदार लेसन आया हूं, जो लेसन है भारतीय जलवायु। मुझे लगता है कि भारतीय जलवायु से संबंधित तथ्यों को आप लोग सुने होंगे, आप इस सब से पूछे जाने वाले क्वेश्चनों से रूबरू हुए होंगे। आपको पता चलता होगा कि इस लेसन से बहुत सारे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, भारत में जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारक क्या है, मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है, या किस मानसून से भारत में कहां कहां वर्षा और कितनी वर्षा होती है। इस टाइप के बहुतेरे सवाल जो हैं आपके परीक्षाओं में बनते हैं, और मुझे लगता है कि वो हर एक प्रश्न जो एग्ज़ाम में बन सकता है, मैं आपको पूरे जो है तरीके से कुछ ऐसे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा जहां से आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना होने पाए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरा पहले पूरा वीडियो देखें, और पूरा वीडियो देख लेंगे तो मैं निश्चित रूप से दावे से कह सकूँगा कि आपको वीडियो पसंद आएगा। और जब आपको पसंद आए तब मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और अपने कंपटीशन की तैयारी को एक नया आयाम दे सकें। तो आइए हम बिना देरी किए आज एक शानदार लेसन पढ़ें, भारतीय जलवायु। ये बहुत ही शानदार लेसन है भारतीय जलवायु, जिस लेसन में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो हम हर एक क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे, वो हर एक क्वेश्चन देखेंगे जहाँ से मेरा कंपटीशन का लेवल बेहतर हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहला प्रश्न यही बनता है कि ये जलवायु क्या है। ठीक उसी प्रकार से आप लोगों ने सुना होगा मौसम के बारे में भी। किसी बड़े क्षेत्र पर जलवायु और मौसम में क्या डिफरेंस है, पहले उसको देख लीजिए। किसी बड़े क्षेत्र पर, बड़े क्षेत्र का मतलब हो गया विशाल भूभाग, और विशाल भूभाग का मतलब हम ये भी कह सकते हैं जैसे संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में। किसी बड़े क्षेत्र में अगर ताप, दाब, पवन और वर्षा, ताप, दाब, पवन, वर्षा, ये चार महत्वपूर्ण कारक हैं। किसी बड़े क्षेत्र में ताप में परिवर्तन हो जाए, दाब में परिवर्तन हो, पवन में परिवर्तन हो या वर्षा में परिवर्तन हो, अगर ऐसा परिवर्तन वार्षिक होता है, ये क्षणिक परिवर्तन नहीं है, एक लंबी अवधि के लिए परिवर्तन होता है, अगर एक लंबी अवधि के लिए परिवर्तन होगा तो ऐसे परिवर्तन को हम जलवायु कहेंगे। बड़े भूभाग एक बहुत बड़े क्षेत्र पर सीमित समय के लिए नहीं, लंबी अवधि के लिए, जैसे वार्षिक परिवर्तन हो, 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल तक भी हो सकता है, अगर इतने समय के बीच में ताप, दाब, पवन और वर्षा के चलते परिवर्तन होगा तो ऐसे परिवर्तनों को हम क्या कहेंगे, जलवायु कहेंगे। मौसम के लिए बस हम थोड़ा सा कंसेप्ट में बदलाव करेंगे और चीज़ें तो वही रहेगा, थोड़ा सा अंतर क्या आएगा कि जहाँ जलवायु में बड़ा भूभाग होता है, मौसम में छोटा भूभाग हो जाता है। यानी छोटे क्षेत्र में हम ये कहेंगे कि छोटे भूभाग पर मौसम भी हमारा हो जाएगा अभिप्राय कि छोटे भूभाग पर यही ताप, दाब, पवन और वर्षा का, यहाँ पर वार्षिक था लेकिन इसमें जो है ये हो जाएगा दैनिक, दैनिक भी कह सकते हैं या साप्ताहिक भी कह सकते हैं। यानी दैनिक या साप्ताहिक परिवर्तन होगा तो उस परिवर्तन को हम मौसम कहते हैं। मौसम का प्रभाव क्षणिक होता है, ये कुछ समय के लिए जो है जलवायु की दशा में परिवर्तन है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में मौसम वेधशाला,
मौसम संबंधित किसी प्रकार की जो सूचनाएं भारतीयों को दी जाती हैं, ऐसा मौसम प्रयोगशाला भारत में पुणे शहर में है। भारत में मौसम प्रयोगशाला पुणे शहर में है, लेकिन मौसम विज्ञान संस्थान जहां से भारत के मौसम संबंधित मानचित्र जारी किए जाते हैं, यह संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है, जबकि भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। तो जलवायु और मौसम के तथ्यों को आप समझ चुके हैं कि अगर बड़े क्षेत्र पर ताप, दाब, पवन और वर्षा का वार्षिक परिवर्तन होगा तो ऐसे परिवर्तनों को हम जलवायु कहेंगे, और यही अगर क्षणिक परिवर्तन होगा तो क्षणिक परिवर्तन वाली स्थिति को हम मौसम कहेंगे। अब आइए देखते हैं कि भारतीय जलवायु जो है किस प्रकार की जलवायु है। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। भारतीय जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है, लेकिन भारतीय जलवायु के बारे में हम ये भी कहेंगे कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाली कुछ कारक हैं। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाली कुछ कारक हैं। ऐसे कारकों में पहला कारक पड़ता है पर्याप्त अक्षांशीय विस्तार। पर्याप्त अक्षांशीय विस्तार, अब ये पर्याप्त अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जाने, ये कैसे प्रभावित करता है। तो अगर हम इस मानचित्र में देखें तो इस मानचित्र में हमें यह मालूम होगा कि पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच में एक रेखा है, जिस रेखा को हम कहते हैं विषुवत रेखा, जिसको हम 0 डिग्री विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो इस विषुवत रेखा के द्वारा जो है पूरे पृथ्वी को दो हिस्से में बांटा गया है। विषुवत रेखा के ऊपर वाला हिस्सा ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक उसी प्रकार भारत की अगर हम स्थिति की बात करें तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में हमारा देश भारत है, और भारत के बीचों बीच से भी एक रेखा गुजरती है, जिस रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा कहते हैं जो 23.5 डिग्री होता है, यानी 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत को दो हिस्सों में बांटती है। इसके ऊपर वाले हिस्से को हम नॉर्थ इंडिया कहेंगे और नीचे वाले हिस्से को हम साउथ इंडिया कहेंगे। अब देखिए इससे क्या प्रभाव पड़ा। इससे प्रभाव ये पड़ा कि कर्क रेखा के ऊपर वाला जो हिस्सा है भारत का, वह पड़ता है शीतोष्ण कटिबंध में। ये पड़ता है शीतोष्ण कटिबंध में, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच होता है। तो यह जो है शीतोष्ण कटिबंध पड़ता है, लेकिन भारत का जो निचला हिस्सा यानी कि जो साउथ इंडिया है, ये वाला हिस्सा ये 23.5 डिग्री के नीचे पड़ता है, कर्क रेखा से नीचे है। तो साउथ इंडिया वाला हिस्सा जो है यह पड़ता है उष्ण कटिबंध में, और उष्ण कटिबंध में सालों भर तापमान उच्च रहता है। उष्ण कटिबंध में सालों भर तापमान उच्च रहता है, लेकिन शीतोष्ण कटिबंध में क्या है कि इस कटिबंध में जब गर्मी का मौसम आता है तो काफी तेज गर्मी पड़ती है, लेकिन जब ठंडी का मौसम आता है तो काफी अधिक ठंडी पड़ती है। तो ये पर्याप्त अक्षांशीय विस्तार भी भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है। अगर मैं दूसरे जो है कारक की बात करूं तो दूसरा कारक है उत्तर में हिमालय की उपस्थिति। उत्तर में हिमालय की उपस्थिति। अब आइए देखते हैं कि यह कैसे प्रभावित करता है। उत्तर में हिमालय की उपस्थिति ये कैसे प्रभावित करेगा, तो आपको बता दें कि ये वाला हिस्सा आप यहाँ पर देखें, भारत के उत्तर दिशा में एक बहुत ही लंबा विशाल पर्वत है, जिस पर्वत को हम लोग कहते हैं हिमालय। इस पर्वत को हम क्या कहते हैं, हिमालय कहते हैं। तो ये हिमालय पर्वत हमारे लिए दो तरह से कार्य कर रहा है। ये क्या कार्य करता है कि शीत ऋतु में जब जाड़े का मौसम आता है, तो जाड़े के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय अवदाब से जो उत्पन्न होता है, इस पश्चिमी विक्षोभ वाली ठंडी हवा को भारत में आने से रोक देता है, जिसके कारण भारत का तापमान और अधिक नहीं गिर पाता है। ठंडी के दिनों में ये पश्चिमी विक्षोभ से जो ठंडी हवाएं उत्पन्न होकर भारत की तरफ चलती हैं, इस पवन को ये हिमालय पर्वत रोक देता है और इधर नहीं आने देता है, जिससे भारत का तापमान ठंडी के दिनों में और कम नहीं हो पाता है। ठीक उसी तरह से देखिए, हिंद महासागर
से मानसूनी जलवायु का भारत में प्रवेश होता है। ये मानसूनी जो है हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं, और जब ये भारत में प्रवेश करती हैं तो ये आगे की ओर बढ़ती हैं, और आगे की ओर जब बढ़ते बढ़ते या नॉर्थ दिशा में हिमालय के पास पहुंचती हैं तो हिमालय इन मानसूनी हवाओं को अब और आगे बढ़ने से रोक देता है, और इधर जाने से जब ये रोकेगा तो संपूर्ण वर्षा भारतीय हिस्से में ही होती है, संपूर्ण वर्षा भारतीय हिस्से में होती है, जबकि हिमालय के उत्तर दिशा वाला हिस्सा वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ जाता है। अब देखिए एक तीसरा कारक क्या है भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला जो तीसरा कारक है वह कारक है दक्षिण में हिंद महासागर एवं विषुवत रेखा से निकटता। अब ये कैसे प्रभाव डालेगा उसको आइए देखते हैं, ये कैसे प्रभाव डालेगा। तो अब आइए थोड़ा सा इस स्थिति में आ जाइए, इस मानचित्र में अगर हम देखेंगे तो ये आपका विषुवत रेखा है, और हम ये देख रहे हैं कि साउथ इंडिया वाला जो ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये विषुवत रेखा से नज़दीक है, और विषुवत रेखा से लेकर भारत की जो बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरी है इस बीच वाले जगह को हम उष्णकटिबंध कहते हैं, इसको हम उष्णकटिबंध कहते हैं, जहां पर सालों भर तापमान उच्च रहता है, यहां पर सालों भर तापमान उच्च रहता है। तो अब देखिए यहां पर क्या है कि तापमान यहां पर जो है साउथ इंडिया में हमेशा अधिक रहता है, लेकिन दक्षिणी हिस्से में भारत में तीन तरफ से जो है जल घेरा हुआ है भारतीय क्षेत्र को। जैसे देखिए आप इस स्थिति को देखिए, ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है, और इस दक्षिणी हिस्से में पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर, तीन तरफ से समुद्र होने के चलते यहाँ पर विषुवत रेखा से नज़दीक होने के बावजूद भी अधिक गर्मी नहीं पड़ पाती है। इसलिए हम ये कहेंगे कि यहाँ पर एकदम सुहावना मौसम हमेशा बना रहता है। अब आइए हम देख लेते हैं कि ये भारतीय मौसम जो संस्थान है, उस मौसम संस्थान के द्वारा भारतीय जलवायु को चार ऋतुओं में बांटा गया है, हम आइए देखते हैं कि वो चार ऋतु कौन कौन है जिसका बंटवारा जो है मौसम वैज्ञानिकों द्वारा भारत में किया गया है। तो जो चार ऋतुएं हैं उन चार ऋतुओं में एक ऋतु है शीत ऋतु, यानी वो ऋतु जिसमें काफ़ी अधिक ठंडी पड़ती है। तो शीत ऋतु का समय रहता है 15 दिसंबर से 14 मार्च के समय को हम भारत में शीत ऋतु का दौर कहते हैं। शीत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु का दौर आता है, और ग्रीष्म ऋतु वह ऋतु हुआ जिस ऋतु में काफ़ी अधिक जो है बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। तो ये समय रहता है 15 मार्च से 14 जून, और ग्रीष्म ऋतु के बाद भारत में वर्षा ऋतु शुरू होती है, वह ऋतु जिस ऋतु में भारत में काफ़ी वर्षा होती है। तो इस ऋतु की शुरुआत होती है 15 जून से 14 सितंबर, और उसके बाद वर्षा ऋतु के बाद एक बहुत ही आर्द्र जो है ऋतु आता है, जिसमें न तो बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और न ही बहुत अधिक ठंडी पड़ती है, एक सामान्य जो है वातावरण भारत का रहता है, और उस ऋतु को हम कहते हैं शरद ऋतु, तो शरद ऋतु का भारत में प्रभाव रहता है 15 सितंबर से 14 दिसंबर। तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान के द्वारा भारत के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने भारतीय जलवायु को चार ऋतुओं में बांटा है। ये आपके सामने ये चार ऋतु हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। अब आइए हम एक एक करके सबके बारे में जानने का प्रयास करें इस मानचित्र के माध्यम से कि किस प्रकार से भारत में मौसम जो है प्रभावित होता है, जलवायु में कौन कौन से तत्व हैं जो भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शीत ऋतु के बारे में। तो हम आपको बता दें कि शीत ऋतु का दौर चलता है 15 दिसंबर से 14 मार्च, और इस स्थिति को थोड़ा सा हम आपको इस मानचित्र पर दिखाना चाहते हैं। ये विषुवत रेखा की स्थिति है, विश्व के बिल्कुल बीचों बीच में एक रेखा विषुवत रेखा, यहां पर
सूर्य की जो स्थिति होती है वह होती है 21 मार्च। सूर्य का लंबवत प्रकाश, सीधा प्रकाश विषुवत रेखा पर कहाँ किस समय पड़ता है, 21 मार्च को, और 21 मार्च के साथ साथ 23 सितंबर को। यानी दो ऐसी स्थिति है जब सूर्य का प्रकाश लंबवत होता है विषुवत रेखा पर। मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है 22 दिसंबर को, और कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है 21 जून को। यानी सूर्य का प्रकाश दो बार लंबवत होता है विषुवत रेखा पर, 21 मार्च और 23 सितंबर, जबकि एक बार कर्क रेखा पर 21 जून को और मकर रेखा पर 22 दिसंबर को। तो जरा सा इस स्थिति में भाई हम देखते हैं शीत ऋतु को, मैं बारे में बताने जा रहा हूँ, भारत के सापेक्ष हम देखने की कोशिश करेंगे। तो 15 दिसंबर से 14 मार्च, अगर मैं 15 दिसंबर से 14 मार्च की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए ये 22 दिसंबर है, तो 22 दिसंबर से कुछ पहले आएगा 15 दिसंबर। मान लीजिए कि सूर्य की स्थिति यहाँ पर है, 15 दिसंबर को सूर्य की स्थिति यहाँ पर है, उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 को जब गया तो ये सूर्य की स्थिति कहाँ पर है, मकर रेखा के सामने, सूर्य की स्थिति मकर रेखा के सामने है। अब 22 के बाद सूर्य जो है कि किरणें उत्तरायण होना शुरू होती हैं, उत्तरायण होने का मतलब है कि उत्तर दिशा की ओर जो है किरणें आनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर किरणें उत्तर दिशा की ओर आनी शुरू हो गई तो 23 दिसंबर, 24 दिसंबर से फिर जनवरी, फरवरी और फिर मार्च, मार्च में कहाँ तक, 14 मार्च तक, और ये विषुवत रेखा पर 21 मार्च को बीचों बीच में आता है, 21 मार्च को विषुवत रेखा पर होता है। तो 14 मार्च है, इसका मतलब कि विषुवत रेखा से थोड़ा सा यह भी नीचे है। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि शीत ऋतु में जो सूर्य होता है उस सूर्य की स्थिति कहाँ होती है, तो हम सीधे कहेंगे विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच में, विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच में। अर्थात जैसे हम यहाँ पर हम आपको दिखा दी कि जैसे मान लेते हैं कि सूर्य की स्थिति यहाँ पर है, सूर्य की स्थिति यहाँ पर है, अब मुझे बताइए कि सूर्य की स्थिति यहाँ पर है और भारत की स्थिति जो है यहाँ पर है, तो अगर हम सूर्य के प्रकाश को भारत पे लेकर जाएं तो यह प्रकाश कैसे जाएगा, तिरछा जाएगा। यह प्रकाश किस तरह जाएगा, तिरछा जाएगा, यानी तिरछी किरणें सूर्य की पहुंचेगी भारत पर, जबकि सीधी जो है किरणें वह कहाँ पड़ रही हैं, तो यह पड़ रहा है विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच में। तो चूंकि इस समय भारत से सूर्य दूर होता है, भारत से इस दौर में शीत ऋतु के दौर में सूर्य जो है भारत से काफ़ी दूर होता है, यही कारण है कि इस ऋतु के शुरू में तापमान काफ़ी कम होता है। शुरू में तो और भी दूर हुआ, शुरू में तो यहाँ पर होता है ना, फिर उसके बाद से यहाँ पर गया और फिर यहाँ से रिटर्न होते होते 14 मार्च तक यहाँ पर पहुँचा हुआ है। तो कुल मिलाकर कि शुरुआत में अगर हम देखें तब तो ये भारत से और भी दूर है सूर्य, उस समय जो है सूर्य का प्रकाश और भी तिरछा भारत पे पहुंच रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय थोड़ा आगे बढ़ते जाता है सूर्य हम कहेंगे कि उत्तरायण की ओर थोड़ा जब शुरू करेगा, यानी अब यहाँ से थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर, फिर एक स्टेप और ऊपर, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे अब इंडिया की तरफ जो है ताप बढ़ेगा, क्योंकि अब सूर्य हमारे करीब आएगा। तो इस ऋतु के शुरू में जो है भारत का तापमान क्या होता है, बहुत ही कम होता है, और उसका कारण ये है कि उस समय सूर्य हमारे उत्तरी गोलार्ध में न होकर या दक्षिणी गोलार्ध में कहां पर है, तो विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच में है। तो एक तो यहां पर फैक्ट यह हुआ कि शीत ऋतु के दौर में सूर्य हमसे काफी दूर होता है, यही कारण है कि सूर्य का प्रकाश तिरछा पहुंचता है, और जब तिरछा पहुंचता है तो यहां पर ठंडी पड़ती है। दूसरा कारण देखिए क्या है कि जब सूर्य इधर रहता है तो इस साइड का तापमान बहुत कम होता है, क्योंकि इधर सूर्य का प्रकाश बिल्कुल तिरछा पहुंच रहा है। तो तिरछा पहुंचने के चलते अब यहां पर क्या होता है कि पश्चिमी विक्षोभ या भूमध्य सागरीय अवदाब के चलते ठंडी हवाएं जो हैं भारत की तरफ प्रवेश करना शुरू करती हैं, लेकिन बीच रास्ते में पड़ जाता है हिमालय पर्वत, और मैंने पहले ही बताया कि हिमालय पर्वत उत्तर दिशा से आने वाली ठंडी के दिनों में काफ़ी ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से और रोक देता है, जिससे भारत का तापमान और अधिक कम नहीं हो पाता है। तो इसी शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय अवदाब के चलते ही, इसी शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय अवदाब के चलते
भारत के पश्चिमोत्तर राज्यों में जैसे जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तराखंड का हिस्सा, आपको उत्तर प्रदेश का हिस्सा, हरियाणा का हिस्सा, दिल्ली का हिस्सा, पंजाब का हिस्सा, इन क्षेत्रों में जाड़े के दिनों में भी कभी कभी वर्षा होती है। और इस वर्षा के होने का मुख्य कारण है भूमध्य सागरीय अवदाब या पश्चिमी विक्षोभ का होना, पश्चिमी विक्षोभ या भूमध्य सागरीय अवदाब के कारण। अब आइए हम दूसरा ऋतु देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु जिसका दौर चलता है 15 मार्च से 14 जून। अब देखिए इस स्थिति में क्या होगा, यहां पर देखिए 15 मार्च से 14 जून, यहां पर 21 मार्च है, तो 15 मार्च का स्थिति का मतलब कि थोड़ा सा सूर्य यहां पर नीचे है अभी। अब ये 15 मार्च से 16 मार्च को थोड़ा और ऊपर जाएगा, 21 मार्च को बिल्कुल सेंटर में पहुंचेगा पृथ्वी के बिल्कुल बीच बीच, यानी कहां पर, विषुवत रेखा पर। और 21 के बाद 22, 23, 24 मार्च या हम कहेंगे मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, ये जून देखिए यहाँ पर है। इसका मतलब कि जब जून में आएगा तो कहाँ तक दिया गया है, 14 जून, थोड़ा सा नीचे रहेगा अभी, थोड़ा सा ये नीचे रहेगा सूर्य यहाँ पर है। लेकिन हम जरूर कहेंगे कि भारत के सामने तो अब आ ही गया है, लेकिन ज़्यादातर जो है साउथ इंडिया के सामने कुछ ज़्यादा ही है। तो देखिए इसमें क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु के शुरू में दक्षिण भारत का तापमान अधिक रहता है। ग्रीष्म ऋतु के शुरू में दक्षिण भारत का तापमान अधिक रहता है, क्योंकि अगर सूर्य यहाँ पर है 15 मार्च के समय, तो 15 मार्च से 16 मार्च, 17 मार्च, 18 मार्च, 21 मार्च जब क्रॉस करेगा, तो 21 मार्च क्रॉस करने के बाद अभी आ जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। और जब ये उत्तरी गोलार्ध में आ गया तो इसका मतलब कि भारत अब किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में ही है। और जब उत्तरी गोलार्ध से जब और ऊपर की ओर बढ़ते जाएगा, यानी इसकी किरणें उत्तरायण जब होती जाएगी, तो सबसे पहले पड़ेगा हमारा कौन सा इंडिया, साउथ इंडिया। यही कारण है कि इस ऋतु के शुरू में दक्षिण भारत का तापमान अधिक होता है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जाता है, सूर्य की किरणें और उत्तरायण होती जाती हैं, वैसे वैसे संपूर्ण भारत में गर्मी का असर होना शुरू होता है। और हम कहेंगे कि जून आते आते ऐसी स्थिति बन जाती है कि पूरे भारत का तापमान काफ़ी अधिक उच्च हो जाता है। जून आते आते संपूर्ण भारत का तापमान काफ़ी अधिक बढ़ जाता है, इतना अधिक तापमान बढ़ जाता है कि इस उच्च तापमान के चलते भारत की में जो हवाएं होती हैं वो हवाएं काफ़ी गर्म हो जाती हैं, और वो गर्म हवाएं जो हैं शुष्क बनकर उस समय चला करती हैं। ऐसी गर्म और शुष्क हवा को, गर्म और हम लोग शुष्क हवा को कहते हैं भारत में लू के नाम से, ये उत्तरी भारत में चलने वाली एक गर्म हवा है। अब देखें, चूंकि अगर मार्च से अप्रैल मई आया, तो मई जब आएगा तो इस दौर में ये सूर्य का प्रकाश पहले कहाँ रहेगा, साउथ इंडिया में। इसलिए हम कहेंगे कि मई महीना साउथ इंडिया का सबसे गर्म महीना है, साउथ इंडिया का सबसे गर्म महीना मई महीना है। लेकिन अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में यह जो है कब पहुंचेगा, जब यह जून में पहुंच जाएगा, यानी 21 जून को जब यह कर्क रेखा पर होगा, तो संपूर्ण भारत के बीचों बीच में है, इसलिए पूरे संपूर्ण भारत में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। और जब गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो उस दौर में जो भी हवा यहाँ की होगी वो गर्म हो जाएगी, और गर्म के साथ साथ उसमें चूंकि नमी नहीं रहेगा तो ये तेज़ हवा उस समय चला करेगी, गर्म और शुष्क हवा, ऐसी हवाओं को हम लू कहते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि इसी दौर में, इसी गर्मी के दिनों में गर्म और आर्द्र हवाएं भी चला करती हैं। इस गर्मी के मौसम में ही भारत में गर्म एवं आर्द्र हवाएं भी कहीं कहीं चला करती हैं, यानी वो हवा तो गर्म है ही लेकिन उसमें थोड़ी नमी की मात्रा है। तो अगर हवा गर्म और आर्द्र हो तो ऐसी परिस्थितियों में यह हवा भारत के कुछ क्षेत्रों में वर्षा कराती हैं, भारत के कुछ क्षेत्रों में वर्षा कराती हैं। और ऐसी वर्षा को भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे ऐसे ही वर्षा आती है काल बैसाखी, ये वर्षा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में होती है, पश्चिम बंगाल राज्य में ये वर्षा होती है काल बैसाखी। उसी तरह से एक वर्षा है नॉर्वेस्टर, ये भी गर्म एवं आर्द्र हवा के चलते जो वर्षा होती है, ये नॉर्वेस्टर जो है इस हवा को
पूर्वोत्तर भारत के लोग कहते हैं। पूर्वोत्तर भारत यानी भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, इस सब साइड में इस हवाओं को नॉर्वेस्टर कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से गर्म और आर्द्र हवा जब कर्नाटक में जब वर्षा कराती हैं तो कर्नाटक के लोग इसे फूलों वाली वर्षा कहते हैं। फूलों वाली वर्षा या चेरी ब्लिज्म वर्षा। तो ये चेरी ब्लिज्म वर्षा क्या है जी? तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि फूलों वाली वर्षा है चेरी ब्लिम से क्या मतलब है कि जब ये वर्षा कर्नाटक में होती है तो ऐसी वर्षा से कर्नाटक में कॉफ़ी की फसल को काफ़ी लाभ पहुँचता है। उसमें कॉफ़ी की फसलों में जो है फूल निकल आते हैं। तो इस वर्षा से चूँकि कर्नाटक के लोगों को लाभ होता है तो वहाँ के लोगों ने इसका नाम रखा है फूलों वाली वर्षा। उसी तरह से भारत के जब ये असम राज्य में होती हैं या हम ये कहेंगे कि केरल राज्य में होती हैं तो यहाँ पर इस वर्षा को दो नामों से जाना गया है। यहाँ पर केरल में अगर हम कहेंगे तो केरल के लोग यहाँ पर जो वर्षा होती है उसका नाम ही लो रबड़ वर्षा रख दिए हैं। केरल में जो ये गर्म और आर्द्र हवाओं के चलते वर्षा होती है उसको रबड़ वर्षा वहाँ के लोग कहते हैं, जबकि असम वाले क्षेत्रों में इसी वर्षा को वहाँ के लोग चाय वर्षा कहते हैं। तो यहाँ पर चाय का मतलब हम ये नहीं समझेंगे कि चाय की वर्षा होती है, इसका मतलब ये होगा कि चाय की फसल के लिए वर्षा काफ़ी लाभदायक होती है, इससे चाय की फसलों को काफ़ी फायदा पहुँचता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो एक और वर्षा फेमस है आम्र वर्षा। ये आम्र वर्षा जो है वहाँ के लोग कहते हैं जो तमिलनाडु वाले होते हैं, यानी तमिलनाडु में जब ऐसी वर्षा होती है तो वहाँ के लोग इसको आम्र वर्षा कहते हैं और इस वर्षा से आम की फसलों को काफ़ी अधिक फायदा पहुंचता है। तो ये जो है हमारी ग्रीष्म ऋतु के दौर की कुछ बातें हुई। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का प्रकाश जो है ये पूरे संपूर्ण भारत में जो है काफ़ी अधिक उच्च तापमान को बना देता है और इतना अधिक उच्च तापमान हो जाता है कि उच्च तापमान होने के चलते यहाँ पूरे भारत का दाब काफ़ी कम हो जाता है। जब ताप बढ़ता है तो दाब घट जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है संपूर्ण भारत में जो है उच्च तापमान का दौर चलता है ग्रीष्म ऋतु में, तो ताप अधिक होने के चलते संपूर्ण भारतीय क्षेत्र के दाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। लेकिन समुद्र की तरफ चूँकि नमी होता है तो इधर जो है दाब उच्च होता है, दाब इधर क्या होगा उच्च होता है, जबकि भारतीय क्षेत्र की तरफ क्या हो गया है दाब निम्न हो गया है। तो स्पष्ट है कि समुद्र की तरफ से हवाएं जो है अब भारत में प्रवेश करेगी, क्योंकि ऐसा होता है कि हवा हमेशा चला करती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। हवा हमेशा चलती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो ग्रीष्म ऋतु में संपूर्ण भारत का ताप अधिक रहता है, ताप अधिक होने के चलते यहाँ का दाब कम हो जाता है, जबकि भारत के दक्षिणी हिस्से में जो हिंद महासागर है या अरब सागर है या बंगाल की खाड़ी है, ऐसे क्षेत्रों में समुद्र की स्थिति होने के चलते इधर की जो हवाएं होगी उन हवाओं में नमी की मात्रा होगी, वो हवाएं जो है अत्यधिक गर्म नहीं होगी क्योंकि तीनों तरफ से समुद्र है, जल है, जलीय स्थिति होने के चलते उन हवाओं में अधिक तापमान नहीं होगा। तो जब तापमान अधिक नहीं होगा तो निश्चित है कि दाब वहाँ पर क्या होगा अधिक होगा। इस परिस्थिति में जलीय क्षेत्र की तरफ से भारतीय क्षेत्र की तरफ हवा चलती है और ऐसी हवाओं को हम लोग कहते हैं मानसूनी हवाएं। जो मानसूनी हवाएं हिंद महासागर से उत्पन्न होकर भारत में प्रवेश करती हैं और जब ये भारत में प्रवेश करती हैं तो ऐसी हवाओं से भारत में एक जलवायु का परिवर्तन होता है और उस ऋतु को हम लोग कहते हैं वर्षा ऋतु। तो ये जलवायु जो है परिवर्तन जो यहाँ पर हुआ यानी वर्षा ऋतु जो आई, उस वर्षा ऋतु के आने का मुख्य कारण बना कि हिंद महासागर से आने वाली मानसूनी हवाओं का भारत में प्रवेश करना। तो ये भारत की मानसूनी हवाएं जो है भारत में किस राज्य में प्रवेश करती हैं, इन भारतीय मानसूनी हवाओं को जो है कितने पार्ट में बांटा गया है, क्या क्या इससे परिवर्तन होगा, इन तमाम चीज़ों की जानकारी हम आपको बताएंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो के साथ लगातार बने रहिए। धन्यवाद।